कोई अच्छा चिकित्सक निकल जाए, कोई अच्छा वैज्ञानिक निकल जाए, कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में निकल जाए, कोई राजनीति के क्षेत्र में निकल जाए, तब तो कोई कहने की बात है कि हम कलार है, हम तलवार। आज तमाम देशों में देखे, हम तो अपने प्रदेश की आप बात बता रहे थे कि हम कहाँ कहाँ नहीं है, हमें पता ही नहीं है। कहीं रोशन नाम से, कहीं टॉप नाम से, कहीं वालिया से, कहीं शिवरे, कहीं बुलरे, कहीं बाथरूम, कहीं जयसवाल, कहीं गुप्ता, इन तमाम नामों से हमारी जो तमाम उपजातियां हैं, आप उन सबको संगठित करके एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में मुंडों की ही कीमत होती है। नहीं देखिए, ये आप मुझे बता रहे हैं, आज परीक्षा हो रही है, परीक्षा की पूरी जानकारी मैंने मंगाने को कहा है, अभी मैं शाम को पहुंचूंगी। पूरे प्रदेश भर में किस तरीके से परीक्षा हुई, कहाँ किस प्रकार की बातें हुई, सारी बातें मेरे पास आ जाएंगी, फिर कुछ कहना है। देखिए, भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती आज उत्तर प्रदेश में कई जिलों में मनाई जा रही है, एक पूरा पखवाड़ा चलता है, वो चाहे सीतापुर हो, लखीमपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, गोंडा हो, सुल्तानपुर, प्रतापपुर, तमाम जिलों में मनाई जा रही है। उसी श्रृंखला में आज बलरामपुर में भी भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती का आयोजन किया है। भगवान सहस्त्रबाहु जी हमारे आराध्य देव हैं और हम सब उनके वंशज हैं। आज उन्हीं के सम्मान में इस जयंती के आयोजन में यहाँ पर आना हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि आज लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और लोग, समाज के लोग आज चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे समाज सेवा की दृष्टि से हो, हर तरफ जयसवाल समाज के बंधु आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा भी ये मानना है कि जब तक समग्र समाज एक साथ मिलकर प्रयास नहीं करता है, एक साथ मिलकर सारी जातियों के लोग, सभी समाजों के लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक किसी प्रदेश और राष्ट्र की प्रगति के बारे में विचार करना असंभव हो जाता है। और मुझे लगता है कि जयसवाल समाज बखूबी संस्कारों के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आने वाले समय में जयसवाल समाज के लोग एक अपने बल के ऊपर इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को एक अच्छी दिशा दे सहायक सकते।